प्रयाग संगीत समिति के फर्स्ट और सेकंड ईयर वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्यतः यही प्रश्न होते हैं। कथक नृत्य में कितने घराने होते हैं? उत्तर है, कथक नृत्य में मुख्यतः तीन घराने होते हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। सबसे पुराना घराना कौन सा है? सबसे पुराना घराना लखनऊ घराना है। लखनऊ घराने की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरी प्रसाद जी ने लखनऊ घराने की शुरुआत की थी। बिरजू महाराज किस घराने के हैं या थे? लखनऊ घराने के थे। कथक सम्राट किसे कहते हैं? बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहते हैं। लखनऊ घराने के किसी दो कथक आर्टिस्ट का नाम बताइए। डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव, सुश्री कुमकुमधर। बनारस घराने के किसी एक आर्टिस्ट का नाम बताइए। श्री माता प्रसाद मिश्रा। जयपुर घराने के कथक आर्टिस्ट का नाम बताइए। सुश्री गीतांजलि लाल। कथक किन राज्यों में किया जाने वाला नृत्य है? कथक ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब इत्यादि, दिल्ली वगैरह भी है जो इसके अंतर्गत आएंगे। तीन ताल कितने मात्रा की ताल है, या तीन ताल के बारे में बताइए, या तीन ताल का संपूर्ण परिचय दीजिए। तीन ताल का परिचय इस प्रकार है, तीन ताल 16 मात्रा का ताल है, विभाग चार होते हैं, प्रत्येक विभाग में चार चार मात्राएं होती हैं। ताली पहली मात्रा पर, पांचवी मात्रा पर और तेरहवी मात्रा पर ताली दी जाती है, खाली जो है नवी मात्रा पर दिखाया जाता है। ये प्रश्न एक साथ भी पूछ सकते हैं और अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि कितने विभाग होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ताली, मतलब एक एक करके प्रश्न पूछा जा सकता है। झपताल का परिचय दीजिए। झपताल 10 मात्रा की ताल है, चार विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में दो तीन के रेशियो में मात्राएं होती हैं, यानी पहले विभाग में दो मात्रा, दूसरे विभाग में तीन मात्रा, तीसरे विभाग में दो मात्रा और चौथे विभाग में फिर से तीन मात्रा। ताली पहले, तीसरे और आठवीं मात्रा पर दिखाई जाती है, खाली छठवीं मात्रा पर होती है। ये प्रश्न सेकंड ईयर का है। एक ताल का परिचय दीजिए। एक ताल 12 मात्रा का ताल है, विभाग छह होते हैं, पहली, तीसरी, पांचवी और नौवीं और ग्यारहवीं पे ताली होती है, इन मात्राओं पर ताली होती है, खाली तीसरी और सातवीं मात्रा पर होती है, प्रत्येक विभाग में दो दो मात्राएं होती है। सम किसे कहते हैं? ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। खाली किसे कहते हैं? ताल की किसी मात्रा को हाथ पर ताली देके न दिखाकर उसे हवा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे खाली कहते हैं। विभाग किसे कहते हैं? ताल की मात्राओं को के विभाजन को विभाग कहते हैं। तिहाई किसे कहते हैं? किसी वर्ण समूह को नाचकर या तबला पर बजाकर सम पर आने को तिहाई कहते हैं। तिहाई तीन बार, पूरे पूरे पल्ले को तीन बार बोला जाता है। किसी वर्ण समूह को नाचकर या तबले पर बजाकर पूरे एक पल्ले को तीन बार बोलकर सम पर खत्म किया जाए तो उसे तिहाई कहते हैं। टुकड़ा किसे कहते हैं? तबले के बोलों के समूह को टुकड़ा कहते हैं। तोड़ा किसे कहते हैं? नृत्य के बोलों के छोटे समूह को तोड़ा कहते हैं, या ज्यादातर ताल के एक आवर्तन में सम से सम तक होता है। परन किसे कहते हैं? लखनऊ परन किसे कहते हैं? पखावज के जोरदार बोलों को परन कहते हैं। तीन ताल का एगुन, दुगुन और चौगुन प्रदर्शित करिए हाथ पर। ये मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, कोई किसी और वीडियो में मैं दिखा दूंगी, बट प्रश्न ये पूछा जाता है। झपताल का एगुन, दुगुन, चौगुन हाथ पर दिखाइए। फिर भी एग्जाम्पल के रूप में तीन ताल अभी दे दें। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये एगुन है, दुगुन इसका धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। चौगुन जाएगा, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। झपताल का भी इसी प्रकार से एगुन, दुगुन और चौगुन जाएगा। एगुन